नो योर कंपनी. आज कंपनी का नाम है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स. ये क्वार्टर कैसा रहा ये आंकड़ों में आपको दिख जाएगा. आई मीन वो नंबर्स भी आपके स्क्रीन पर आएंगे. स्टॉक लगभग 492.48 करोड़ में कारोबार करता है. लेकिन देखिए, ऑटो और ऑटो को सेवाएं देने वाली कंपनी, हमने एग्जैक्टली आज थीम इसलिए रखी है क्योंकि वो प्रभावित हो रही है इंडस्ट्री. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा कारोबार वहां से भी आता है, जिस पर हम खुल के बात करेंगे. हमारे साथ बात करने के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के सीईओ पिरोजॉश सरकारी मौजूद हैं अपने रुख रखने के लिए यहां पे. सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. और मैं आपके नंबर से गुजर रहा था सर, और देखा बारीकी से प्राइमर फेस से, अगर आप देखें सारे नंबर्स, चाहे वो टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, वो अच्छे लग रहे हैं. मैं ये जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे और एग्जैक्टली किन सेगमेंट्स ने बहुत स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन दिया विद स्ट्रांग मार्जिन्स. तो जैसे आप बोले, लास्ट वन ईयर में हम लोग ने हमारी टॉप लाइन में 400 करोड़ ऐड किए हैं और हमारा टॉप लाइन अभी 3,860 करोड़ हो गया है. और हमारे बॉटम लाइन में भी हमने 21 करोड़ ऐड किए हैं और हमारा बॉटम लाइन अभी 86 करोड़ हो गया है. ये जो ग्रोथ हुई है वो कंबाइंड ग्रोथ है. हम लोग चार इंडस्ट्री वर्टिकल्स में काम करते हैं, ऑटो, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर और ई कॉमर्स. चारों इंडस्ट्री में हम लोग ने ग्रोथ देखी है, लेकिन ज्यादातर ग्रोथ हमारी वेयरहाउसिंग में हुई है. वेयरहाउसिंग में हम लोग ने 30% ग्रोथ किया है ओवर लास्ट ईयर. और ये फोकस ज्यादातर जीएसटी के बाद आया है. जीएसटी के बाद वेयरहाउसिंग हमारे देश में ज्यादातर फोकस में आई है, क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग जो इंडस्ट्री है उन्होंने अभी कंसोलिडेशन किया है और लार्ज रीजनल डेपोज क्रिएट किए हैं. ज्यादातर इन्वेस्टमेंट भी वेयरहाउसिंग में हो रहा है. बाहर के पीई फंड्स और रीट फंड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. और आपको जैसे मालूम होगा कि वेयरहाउसिंग में मार्जिन्स भी ज्यादा होती है. सो ये सारा मिला के हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगले सालों में कि हमारा वेयरहाउसिंग बिजनेस बढ़े. जैसे कि आप जानते हो, हमारा वेयरहाउसिंग आज के दिन में 15 मिलियन स्क्वायर फीट हम मैनेज करते हैं. लास्ट वन ईयर में मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर फीट हम लोग ने ऐड किया है और आगे चलते भी हम लोग ऐसे ही ऐड करते रहेंगे वेयरहाउसिंग में. अच्छा सर, वेयरहाउसिंग की बात की आपने यहां पर. मैं और कुछ अगर इस नतीजों में क्रक्स देखूं, मैंने इंपॉर्टेंट देखूं, तो वो ये था कि मैं ऑटो पे आऊंगा कुछ देर में, लेकिन उससे पहले अगर आप नॉन ऑटो सेगमेंट देखें, वहां से जो आपका रेवेन्यू था वो 1,000 करोड़ रुपए की फिगर को क्रॉस कर गया. इसमें इस रेवेन्यू में, आई मीन इस क्लस्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आया है? तो जैसे मैंने कहा, लास्ट ईयर हमारा लार्जेस्ट ग्रोथ हुआ है हमारी कंज्यूमर सेक्टर में. तो कंज्यूमर और ई कॉमर्स सेक्टर में हमारा ज्यादातर ग्रोथ हुआ है, जिससे कि हमारा नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस अभी 1,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है. और हम लोग जानते हैं कि आगे चलते हुए अगर हमें वेयरहाउसिंग में कॉन्सेंट्रेट करना है तो यही तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जिसमें हमें ज्यादातर ध्यान देना पड़ेगा. अच्छा सर, ये एक चीज है, मैंने बात की जो जैसे नॉन ऑटो सेगमेंट की ग्रोथ काफी अच्छी रही, 1,000 करोड़ रुपए का वहां पर रेवेन्यू क्रॉस कर गया आप. लेकिन मैं जो नॉन एमएनएम एससीएम सेगमेंट था वहां पे जो ग्रोथ है वो इस बार स्लो दिखाई दी, कारण क्या था? और मैं ये अगर पूछना चाहूं कि फिर हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप कब हासिल कर पाएंगे, उसमें कितना वक्त लगेगा, अगले क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक है आपका? तो हमारा जो नॉन महेंद्र बिजनेस है वो पहले दो क्वार्टर में हमारा ग्रोथ कम रहा था, लेकिन लास्ट टू क्वार्टर्स में हम लोग ने डबल डिजिट ग्रोथ लाए हैं और जो नए कस्टमर्स एड ऑन किए हैं उनसे हमें विश्वास है कि आगे चलते हुए भी हमारा नॉन महिंद्र बिजनेस डबल डिजिट से ही ग्रो होगा. अच्छा सर, मैं ऑटो की बात कर रहा था, मैं कुछ और क्रिटिकल पार्ट्स पे आता हूं. देखिए, जो माल ढुलाई होती है उसमें एफएमसीजी अगर आप देखें काफी बड़ा योगदान देती हैं, उसमें ऑटो काफी बड़ा योगदान देता है, और दोनों ही सेक्टर्स में अगर आप देखें स्लो डाउन है. स्पेशली ऑटो की अगर बात मैं करूं, हम मंथली सेल्स फिगर देखते हैं वहां पे कितना धीमापन है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं.
लेकिन एग्जैक्टली आपको सेंस क्या मिल रही है और ये स्थिति कब तक सुधरेगी? और वाकई क्या जो गुड्स का मूवमेंट था वो काफी धीमा हो चुका है पिछले दो तीन क्वार्टर्स की तुलना में? तो ऑटो इंडस्ट्री में जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें तो जरूर स्लो डाउन आया है. लास्ट दो तीन महीने में हम लोग ने ये स्लो डाउन देखा है. इनके कई रीजंस है. एक रीजन जो बोला गया है वो क्रेडिट क्रंच के लिए स्लो डाउन है. लेकिन जब हम सारी ऑटो इंडस्ट्री देखें उसमें तो कमर्शियल व्हीकल्स भी आती है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स, और हमारे लिए तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है. तो जब हम ये तीनों मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ग्रोथ इतना कम नहीं हुआ है. लेकिन सर कंज्यूमर कंपनी से जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है उससे क्या निकल के आया, या फिर वो एग्जैक्टली जो उनके मूवमेंट्स थे क्या वो भी स्लो डाउन हुए, वहां भी जो मूवमेंट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं? तो कंज्यूमर कंपनीज जीएसटी के पहले ये कंज्यूमर कंपनीज ज्यादातर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर के साथ या सीएनएफ एजेंट्स के साथ काम कर रही थी. अभी वो कन्वर्ट कर रही है अपना लॉजिस्टिक्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के साथ. तो इंडस्ट्री में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ होगा, लेकिन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के लिए तो नया ही बिजनेस आ रहा है, और इसलिए लॉजिस्टिक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के लिए कंज्यूमर इंडस्ट्री का ग्रोथ लास्ट ईयर भी हुआ है और मैं जानता हूं कि अगले साल भी होगा. सर ये मैं इनफैक्ट एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि फ्रेट रेट्स जो होते हैं, जो दरें होती हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है. एग्जैक्टली अगर आप देखें बॉटम लाइन वही से तय होता है कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन रहेगी, क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी उसकी. अच्छा बीच में खबर ये भी थी कि फ्रेट रेट्स में अगर आप देखें काफी प्रेशर है, काफी रिड्यूस हुए हैं. जमीनी वास्तविकता क्या है एग्जैक्टली, और डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड क्या है एग्जैक्टली फ्रेट रेट्स का? तो जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशंस आफ्टर आईपीओ है, और हम लोग ने कंपनी में आरएससी और ईसॉप्स इंक्लूड किए थे. इसके हिसाब से हमारे मार्जिन कम दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप वो एडजस्ट करो तो हमारे मार्जिन्स बड़े हैं. हमारी जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 36% से बढ़ी है. अच्छा सर हर इंडस्ट्री जो होती है, हर कंपनी जो होती है, वो एक नए चरण में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नए दौर में कंपनियां आती हैं. अच्छा इस सेक्टर के लिए अगर आप देखें जो सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी जो वो कहा जा रहा है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, उस पर लेकर आपकी जाना जानना चाहूंगा कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होंगी, इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलेगी? तो अगर आप दुनिया में देखो तो जहां भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आया है वहां पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स नीचे गए हैं. ये माना जाता है कि ओशन या सी ट्रांसपोर्ट या इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनके बाद रेल और इनके बाद ट्रकिंग. हमारी कंट्री में आज ट्रकिंग सबसे ज्यादा हो रही है और उसके बाद रेल, और अभी इनलैंड वाटरवेज तो सिर्फ शुरू हुआ है. लेकिन ये बहुत बड़ा वेलकम मूव है हम लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होता है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादातर कम होते हैं, और ये एडवांटेज दोनों लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स एंड कस्टमर्स को जाएगा. जैसे कि जो डीएफसी आ रहा है वो हमारी रेलवे के लिए बहुत अच्छा मूव होगा. हम लोग आज भी महीने भर में 10 रेक यूज करते हैं हमारी ऑटोमोटिव्स मूव करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा सप्लाई मिले रेल का. चलिए सर बहुत सारे पहलुओं पे बात हुई आपसे और मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, अदरवाइज मैं एक दो प्रश्न और लेता. खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे बात की, सभी सेगमेंट से बात करी और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर अपना आउटलुक शेयर किया. एक्चुअली ब्रेक का वक्त है अब और मार्केट्स थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद गर्मी में जाइएगा. एसएमई सेगमेंट लेके आएंगे आज, और एसएमई सेगमेंट में आपके सामने खास कंपनी रखूंगा क्या ग्रोथ है
और उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद।